तो हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम कोड को लिखते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी कि माइक्रो क्या होता है, कैसे होता है और कैसे कोड शुरू करना है। हमने डिक्लेयर करना सिखाया था माइक्रो, कि माइक्रो कैसे डिक्लेयर किया जाता है। राजेश जी एंड सुधीर जी, समझ में आ गया था आपको? हाँ सर, एल्गोरिदम के बारे में बताया था कि एल्गोरिदम कैसे शुरू करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है एल्गोरिदम से, आपको भी समझ में आ गया होगा, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं कोड कंसेप्ट के। देखिए, कोड कंसेप्ट पे हम करने से पहले अपने फाइल को सेव जरूर कर लीजिएगा और माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल रखिएगा। हम जाते हैं यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, आपके सामने दिखता है, हमने इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि वीवीई है, विजुअल बेसिक एडिटर है। अब इसी में हम जो कोड करेंगे वो हमेशा मॉड्यूल्स में करेंगे। मॉड्यूल्स में क्यों करेंगे कोड? देखिए, C1 पे भी डबल क्लिक करके कोड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोड करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि दूसरे शीट के साथ इसका रेफरेंस नहीं हो पाता है और इसका जो कोड है इसी शीट के अंदर वो होता है। तो के रेट में अगर हम कोड चेंज करेंगे, सीट अगर डिलीट कर देते हैं तो कोड भी मेरा डिलीट हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में आते हैं, RR लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं। नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने RR दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहां हम प्रोग्रामिंग शुरू करें तो किससे करें, क्या लिखें? देखिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह होता है ना, सेम उसी तरह से इसमें भी होता है। ऑब्जेक्ट, मेंबर, ऑब्जेक्ट डिटेल, मेंबर डिटेल। तो चार मेन ऑब्जेक्ट है, पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है वर्क बुक्स, तीसरा है सीट और चौथा है रेंज। तो एप्लीकेशन, वर्क बुक, सीट्स एंड रेंज, ठीक है राजेश जी? जी तो एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन कब यूज करेंगे? जब आपकी आप कुछ करना चाहते हो और वो एप्लीकेशन को, मतलब कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसको इफेक्ट कर रही है, देन हम इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। वर्कबुक का यूज कब करते हैं? जब आपका आप किसी फाइल के ऊपर वर्क करने वाले हैं तो वर्कबुक का यूज करेंगे। शीट्स के ऊपर कब यूज करेंगे? तो शीट के ऊपर। रेंज के ऊपर कब करेंगे? जब रेंज के ऊपर। तो क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने अभी बोला कि क्रिएट फाइल, ठीक है, एड न्यू शीट, सिलेक्ट A1, ये तीन स्टेप है। तो पहला स्टेप करता है क्रिएट अ फाइल, हमें फाइल को क्रिएट करना है, मतलब जो हम काम करना चाहते हैं वो फाइल को इफेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे वर्क बुक्स डॉट एड, वर्क बुक्स डॉट एड, राइट सर? उसे आता है क्रिएट ए न्यू वर्क शीट्स, जो हम काम करने वाले हो शीट को होता है, तो यहां पे लिखेंगे शीट्स डॉट एड और हमें रेंज A1 को सिलेक्ट करना है, तो हम यहां पे देंगे रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। तो वर्कबुक डॉट एड, शीट डॉट एड और रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, समझ में आ गया? जी तो जो काम करना है, मतलब जो एल्गोरिथम कर रहा है उसी के ऊपर हम जो है अपना को डिसाइड करते हैं। तो वन बाय वन हम सीखेंगे, हम एप्लीकेशन को इग्नोर करते हैं फिलहाल, हम बात करेंगे वर्कबुक से। तो शुरुआत में जब यूज करते थे वर्कबुक, हम बताते हैं आपको कि किस चीज के लिए क्या कोड होता है, राइट सर? जैसे एक नई फाइल क्रिएट करनी है आपको, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्कबुक्स डॉट, ये क्या करेगा, एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है क्या सर। आता है, शीट्स डॉट ऐड, एक नई शीट ऐड कर देगा। तो शीट नहीं, हम वर्कबुक को ऐड कर लिया। अब जो वर्कबुक ऐड हुआ है ना सर, उसी को सम कर सेव करना है, सॉरी उसी को हमें सेव करना है।
तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए यहां पे करेंगे हम एक्टिव वर्क बुक्स डॉट सेव एज, और यहां डी ड्राइव ई ड्राइव जो भी ड्राइव है उस पे जाएंगे 123.xlsx. अब बोलो सर एक्टिव वर्क बुक क्यों लिया? देखिए फाइल को सेव करने का कोड होता है वर्क बुक्स, और इसके अंदर जिस फाइल को सेव एज करना है, मुझे करना है बुक वन को, तो यहां पे हमने बुक वन को ले लिया डॉट सेव एज, और फिर यहां पे डी, और डी के अंदर हमने दो बार सेमीकोलन दिया 123.xlsx, और आपके सामने आ गए. ठीक है सर जी. सर 123 जो फाइल का नाम है सर. हाँ 123 फाइल का नाम है, अब कुछ भी दे सकते हो पाथ हमने. ठीक है बट इस कोड को मैं यहां इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वर्कबुक ऐड होगा तो बुक वन बुक टू बुक थ्री बुक फाइव कुछ भी हो सकता है ना सर. जी सर. तो इसलिए कोड ना देके हमने इस कोड को यूज किया, क्योंकि जो फाइल ऐड होगी वो तो एक्टिवेट होगी होगी, लेकिन आपको पता है कि मुझे मुझे 123 नाम का फाइल चाहिए ही चाहिए, तो क्या करेंगे आप डॉट सेव एज, और यहीं पे दे दीजिए आप कि डी ड्राइव में 123.xlsx. राइट सर, क्लियर है? जी सर. तो फाइल को क्रिएट करना और उसको सेव एज करना आ गया. आप VBA प्रोग्रामिंग के जरिए फाइल नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फाइल को सेव कर सकते हैं. ठीक है सर. अब कैसे करेंगे, अगर किसी ने बोला फाइल क्रिएट करके सेव करो, तो आप क्या करेंगे, सब CRT एक नाम दे दीजिए और यहां पे आप दे दीजिए इस कोड को, इस कोड को लिया यहां पे कर. ठीक है, फाइल क्रिएट भी होगी सेव भी हो जाएगी. आपको जस्ट क्रिएट करना है तो सिर्फ इस लाइन को यहां पे डाल दीजिए. ओके ओके सर. सिर्फ शेयर सेव जस्ट सेव एज करना है इसको डाल दीजिए. तो ये तीनों लाइन इकट्ठा रन नहीं होगा सर, रन को एक ही होगा. ठीक है ना, बट आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोड को सिलेक्ट करोगे कि कौन सा कोड हम ले. राइट अब वर्कबुक हमने क्रिएट कर लिया है तो सेव एज तो कर लिया, पर हमें सेव की जरूरत पड़ेगी. अब फाइल आपका एक्टिव है, मतलब कि एक्टिव है, एक्टिव मतलब समझते हैं क्या होता है एक्टिव? ओपन है फाइल. ओपन नहीं, एक्टिव मतलब कि सामने विंडो पे है, ए है, जिस पे सर हम काम कर रहे हैं ना वही सर एक्टिव होते हैं. ओपन तो मेरे दो पास दो फाइल है ना सर जी. तो ये डाउनलोड ऐप जो है ना एक्टिव नहीं कहलाएगी. कौन सी फाइल एक्टिव कहलाएगी? बुक वन एक्टिव कहलाएगी. ठीक है सर. ठीक है तो यहाँ पे वर्कबुक डॉट ऐड डॉट सेव एज, और हमने यहाँ पे दे दिया अपना. ठीक है तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, अगर आपकी फाइल की नाम पता है कि बुक वन है बुक टू है बुक थ्री है, तो आप इसका इस्तेमाल. अब एक्टिव वर्कबुक के अकॉर्डिंग चलना है या फिर वर्कबुक विथ नेम के अकॉर्डिंग चलना है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपकी सिचुएशन क्या है. ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्कबुक को. हमने सेव कर लिया, सेव एज कर लिया, क्रिएट कर लिया. अब मैं बात करता हूं वर्कबुक को ओपन करना, कि किसी अनदर लोकेशन से फाइल को ओपन करना. तो यहां लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और कहां से ओपन करना है उसका पाथ, और पाथ के साथ आप डालेंगे अपना फाइल नेम विद एक्सटेंशन. अगर फाइल में पासवर्ड लगा है तो डॉट 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 करके पासवर्ड पे जाएंगे और यहां पे पासवर्ड डालेंगे. ठीक है, ठीक है सर. ठीक है सर.
क्लियर है? ओके सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हमने फाइल को ओपन कर लिया है तो फाइल को क्लोज भी करना होगा। तो वर्क बुक्स और इसमें हम डालेंगे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट क्लोज और यहां पे देंगे ट्रू। ठीक है, ये क्या करेगा, फाइल को क्लोज, फाइल को क्लोज करेगा। जब भी हम फाइल क्लोज करते हैं तो हमसे पूछता है डू वांट टू सेव चेंज, जी सर। तो उसके लिए है कि अगर यस पे क्लिक, सेव पे क्लिक करना है ट्रू, डोंट सेव पे क्लिक करना है तो फॉल्स। ठीक है, अगर सर जिस जगह पे सर ट्रू था अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाए सर तो ये कोड क्या करेगा? यहाँ पे तो सेव नहीं करेगा, बिना सेव किए बंद कर देगा। अच्छा सर, ठीक है, ओके सर। तो हमने वर्कबुक को ओपन कर ली और वर्कबुक को क्लोज कर लिया। ठीक है जी, ठीक है सर। अब मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल, हम लोग ऑल टैब करके जाते हैं ना, एक फाइल से दूसरे फाइल पे जी, तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए यहां होगा वर्क बुक्स और अपने बुक का नेम, जिसे मुझे बुक टू पे जाना है, बुक टू डॉट एक्सएलएस एक्स और यहां पे हम करेंगे एक्टिवेट। ठीक है, तो बुक टू पे चला जाएगा, मतलब कि बुक टू एक्टिव फाइल वर्कबुक हो जाएगी फिर। ठीक है सर, अब यहां पे तो हो गई, अब वर्कबुक डॉट एक्टिवेट हमने कर लिया। अब बात करते हैं फाइल में पासवर्ड लगाना, तो यहां पे हम लिखेंगे वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या देते हैं आप, बुक डॉट प्रोटेक्ट बुक्स वर्कबुक नहीं लिखा हमने, वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में यहां पे हमने पासवर्ड डाल दिया। तो ये प्रोटेक्ट क्या करेगा, ये जो आपके डेटा में, डेटा नेम आपके जो रिव्यू में, रिव्यू टैब के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ना, यहां पे पासवर्ड डालेगा। ठीक है जी सर, लेकिन अगर मैंने यहां डाला एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये ओपनिंग पासवर्ड डालेगा, कहां से, फाइल के अंदर ऑप्शन में, ऑप्शन में आप कीजिएगा, फाइल के अंदर इन्फो में, यहां एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है सर, ये पासवर्ड जो होता है जो फाइल को सेवेज करते हैं वहां पे मिलता है वो वाला पासवर्ड ये? जी जी, ओपनिंग पासवर्ड। अच्छा, ओपनिंग पासवर्ड, ठीक है सर। अब मुझे कोई भी एक्टिव फाइल का नाम पता करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, अब एक्टिव वर्कबुक नेम तो देगा लेकिन लेगा कौन, तो उसके लिए हमने से मान दिया कि n इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक नेम। अब n क्या हो गया, नेम, समझे? इसको एक जगह पर रन करके दिखाता हूं आपको, ये रहा एक्टिव वर्कबुक डॉट n और n को शो करने के, अब जहां एमएसजी बॉक्स में अगर मैं n डाल देता हूं तो n जो है मुझे रिजल्ट दे देगा। यहां देखिए, दे दिया बुक वन, तो एक लोग यहां पे एक रिसीवर चाहिए। देखिए होता क्या है कि ये जो हमें डॉट एक्टिवेट लिखा हुआ है, डॉट क्लोज लिखा हुआ है, डॉट सेव लिखा हुआ है, ये लोग ये क्या है, ये मेंबर है। तो मेंबर दो तरह के होते हैं, पहला होता है आपका, वो होता है पहला जो आपका होता है क्या होता है, मेथड,
ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर्टीज, तो जो इसमें स्पेस लगा हुआ है, स्पेस लगा हुआ है ना सर यहाँ पे, ये मेथड है, और जिसमें इक्वल लगा हुआ है वो प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन लेता है और एक इंफॉर्मेशन देता है। देता है, जो इंफॉर्मेशन देता है उसको लेने वाला तो होना चाहिए। तो एन जो ले लिए, एन क्या है, एन एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं सर, आप एबीसीडी यूज करते हैं ना, एक्स वाई जेड एबीसीडी, ठीक है, वही मान लीजिए टेम्परेरी सेविंग लोकेशन, इसको हम लोग डेटा टाइप करते हैं। ऐसे नेम की जगह पे आप यहां पे लिख दीजिए फुल नेम, तो पाथ के साथ आएगा, पाथ दे दीजिए तो पाथ आएगा ना, पाथ अभी फुल नेम, फुल नेम है। तो ये सारे कोड को आप क्या करें, एक एक करके रन करें, ठीक है, थोड़ा सीखें परफेक्ट सीखें।